शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लाई हूँ, ऐसी खौफनाक कहानी जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी हारिस शेयर कर रहे हैं इटली से। हारिस कहते हैं, मैं इटली का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 12 साल पहले की बात है, जब मैं बिल्कुल पहली बार इटली आया था पाकिस्तान से। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई काम वगैरह ढूंढने में। फिर जैसे कैसे करके एक दोस्त की हेल्प से मैंने एक जगह पर कैब ड्राइविंग शुरू कर दी। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा मसला होता था, मुझे रास्तों का इतना पता नहीं था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा जगहों का पता चल गया। एक दफ़ा की बात है, कुछ सवारियों को छोड़ने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा दूर इलाके से बाहर गया हुआ था। सख्त सर्दी का मौसम था, सर्द रातें थीं, बहुत ठंडी हवा, बारिश का मौसम था। जब उन लोगों को मैं वहाँ पर छोड़ कर आया तो मैं वापस आ रहा था। मौसम बहुत सख्त ख़राब हो गया, बहुत सख्त बारिश शुरू हो गई। सर्दी इस हद तक ज़्यादा थी कि मुझसे सफ़र कट ही नहीं रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। कुछ ऐसा हुआ कि जिस रास्ते से मैं आ रहा था वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो रोड ब्लॉक हो गए। उसके बाद मुझे और रास्ता चेंज करके दूसरी तरफ जाना पड़ा। मेरा दिल था कि मैं यहाँ पर किसी जगह पर रुक कर कोई चाय वगैरह पी लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। काफ़ी देर वहाँ पर रुक कर भी इंतज़ार किया। आधी रात का टाइम था, बिल्कुल वो कंट्री साइड एरिया था जहाँ से मैं वापस आ रहा था। तो वहाँ पर ऐसा ही कुछ इलाका था जहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती रहती थी। बिल्कुल साथ साथ ही वहाँ पर पहाड़ थे और वहाँ पर वो एक सड़क बनी हुई थी जहाँ से मैं गुज़र रहा था। वो रोड ब्लॉक होने की वजह से जब मैं दूसरी तरफ जा रहा था, मुझे रास्ते में एक रेस्टोरेंट नज़र आया। मैंने वहाँ पर गाड़ी पार्क की, शुक्र अदा किया। जब वहाँ पर आया, वहाँ पर मैंने कॉफ़ी ली। मेरी ना तबीयत कुछ ख़राब हो गई। मुझे ये बताया गया कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बेहतर यही है कि आप यहाँ पर स्टे कर लें। क्योंकि वहाँ पर मेरी रिसेप्शन पर एक आदमी से बात हुई। उसने मेरे से पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो इन्हीं बातों के दौरान उसने मुझे बताया कि अभी थोड़ी देर में मौसम बहुत सा ख़राब हो जाएगा, बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। क्योंकि मौसम बहुत सा ख़राब था, जैसे तूफ़ान सा आ गया हो। उसने ये कहा कि तुम यहीं पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। मैंने उसे कहा कि ठीक है। वहाँ पर उन लोगों ने थर्ड फ्लोर पर मुझे एक रूम दे दिया। उसने मुझसे उस रूम का जो रेंट था वो भी कम लिया। वहाँ पर जब मैं उस रूम में गया, वो छोटा सा एक रूम था, वहाँ पर सिंगल बेड था एक, विंडो के बिल्कुल पास। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा सर्द था, ठंडी हवाएं चल रही थी। मैंने कर्टन्स हटाकर देखा तो बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था सवाए ठंड के और अंधेरे के। मैंने कर्टन्स आगे कर दिए। मैं वहाँ पर बैठ गया। कुछ मुझे सुकून सा महसूस हुआ। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही थी, मैं थका हुआ भी था। तो जैसे मैं बिस्तर पर लेटा, थोड़ी ही देर गुजरी होगी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से कमरे के दरवाजे के ऊपर कोई दस्तक दे रहा हो। दरवाजे को कोई खटखटा रहा था और बाहर कोई लड़की थी जो ये कह रही थी कि दरवाज़ा खोलो। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यहाँ पर मुझे अपने अलावा कोई भी मुस्लिम नज़र नहीं आया। तो फिर ये कौन है जो उर्दू बोल रही है? मैं फ़ौरन से उठा। पहले मुझे लगा मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये ख्वाब नहीं है, ये तो हकीकत में बाहर कोई है। जैसे मैंने दरवाजे के पास जाकर पूछा कि बाहर कौन है, बस वो यही कह रही थी कि दरवाज़ा खोलो। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा, बाहर कोई भी नहीं था, कोई भी मुझे नज़र नहीं आया। जहाँ पर वो रूम था उसके बिल्कुल साथ से ही सीढ़ियाँ नीचे जा रही थीं। मैंने सीढ़ियों में झांक कर देखा, एकदम से लाइट ऑफ हो गई। ऐसा लग रहा था उस पूरे रेस्टोरेंट की, पूरे होटल की ही लाइट चली गई हो। मुझे ऐसा लगा सीढ़ियों से तेज़ी से उतर कर कोई नीचे जा रहा है। मैंने उसे आवाज़ भी दी कि कौन है वहाँ पर। मैंने थोड़ा सा झांक कर आके देखा, ऐसा लगा कोई सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसने पीछे पलट कर भी देखा था, क्योंकि मुझे चमकती हुई दो आंखें नजर आईं। मैं डर गया, मैं कमरे में आया, मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि आज का तो दिन ही कुछ अजीब था। अजीबोगरीब मामलात, अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे थे। मैं फिर आकर बिस्तर पर लेट गया। फिर मुझे नींद आने लग गई। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से कोई कमरे में मौजूद है, क्योंकि जो बेड था उसके साथ एक टेबल लैंप था। उस टेबल लैंप को मैंने सोने से पहले जला दिया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। कमरे में बहुत अंधेरा था, बाहर बारिश थी और बादल गरज रहे थे। उस टेबल लैंप को ऐसा महसूस हुआ कि उसका स्विच किसी ने ऑफ़ किया है। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा तो वो टेबल लैंप ऑफ़ था। मैंने उसका स्विच देखा तो वो बंद हुआ हुआ था। मैंने फिर चला दिया। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से ज़मीन के ऊपर मुझे कोई रिंगता हुआ महसूस हुआ, लेकिन वो वजूद बहुत बड़ा था। अभी मैं ये मंज़र देख ही रहा था तो मैंने क्या देखा, जागती आंखों से मैंने ये देखा कि जैसे कोई दीवार के ऊपर चढ़कर रेंग रहा है, लेकिन वो छिपकली नुमा वजूद था कोई। उसके आगे बाकायदा जैसे इंसान का मुंह होता है, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने पलट कर मेरी तरफ देखा और वो तेज़ी से दीवार पर रेंगता हुआ गायब हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि ये सब क्या था। मैंने जल्दी से रूम लाइट्स ऑन की, वहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं था। जब मैंने लाइट्स ऑन की तो उस वक्त तक लाइट आ चुकी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं ये कैसा कमरा है। और उस थर्ड फ्लोर पर सिर्फ दो ही कमरे थे। जिस कमरे में मैं था वो था रूम नंबर 6, और उसके सामने वाला जो था वो रूम नंबर 5 था। उधर भी कोई नहीं था, उधर भी लाइट्स ऑफ थी। मैं फिर दरवाजे से जैसे बाहर निकला, कमरे से बाहर निकला कि जाकर किसी से बात करता हूँ, देखता हूँ। सीढ़ियों से जब मैं नीचे आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सेकंड फ्लोर के ऊपर कोई रो रहा है। किसी के रोने की आवाज़ें आ रही थी। रोने की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बच्चा रोता है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा। तभी मैंने देखा कि जो सेकंड फ्लोर था वहाँ से एक छोटा सा बच्चा चलता हुआ मेरे सामने थर्ड फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर था उसकी सीढ़ियों पर गया। अब वो बच्चा था या बच्ची थी, बिल्कुल छोटा सा था, जो भी था। मैं तेज़ी से उसके पीछे भागा, लेकिन वो सीढ़ियों में गायब हो चुका था। रिसेप्शन पर वो आदमी नहीं था जिसने मुझे वो रूम दिया था। वहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। ऐसे लग रहा था कि उस पूरे रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं है, पता नहीं सब कहाँ चले गए थे। मैं फिर भागता हुआ ऊपर आया। पहले मैंने सोचा मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मौसम ऐसा नहीं था कि मैं बाहर जा सकूँ। फिर मुझे लगा कि बाहर जाने में भी ख़तरा है, अगर मेरी गाड़ी कहीं पर स्टक होगी तो मैं क्या करूँगा। और ये रास्ता भी मेरे लिए नया ही था। मैं फिर ऊपर जैसे अपने रूम में गया, मेरे रूम का दरवाज़ा बंद था। ऐसे लग रहा था कमरे का दरवाज़ा किसी ने अंदर से बंद किया है। मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने पूछा कि अंदर कौन है, लेकिन मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। तभी मुझे उसी कमरे के जो सामने रूम था, रूम नंबर 5, उसका दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर एक औरत खड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई दुल्हन है। उसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था, बड़ी सजी सवरी हुई थी। तो वो मुझे देखकर हैरान हो रही थी और पूछ रही थी, इतनी रात को इतना शोर क्यों मचा रहे हो। तो मैंने उसे कहा कि मेरे रूम में कोई है, किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। तभी उसने कहा कि तुम्हारे रूम में कोई भी नहीं है, अगर इस रूम में तुम हो तो और कौन हो सकता है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता। ये बात उसने कही मुझे, और ये कहकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुल गया। कमरे की लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ टेबल लैंप चल रहा था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे बड़ा तजुब हुआ कि पहले तो इस कमरे में कोई भी नहीं था, इसका दरवाज़ा भी लॉक था और लाइट भी ऑफ थी। फिर ये दुल्हन कौन थी, और वो उर्दू भी ऐसे बोल रही थी जैसे मुस्लिम हो। अजीब ही था सब। मैंने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और दोबारा जाकर अपने बेड पर लेट गया। सेंट्रल हीटिंग के बावजूद मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मैंने अच्छी तरह से ब्लैंकेट अपने फेस पर किया और सोने लगा। जैसे मैंने ब्लैंकेट अपने फेस पर किया, अभी 2 से 3 मिनट ही गुजरे होंगे, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी टांगों के ऊपर किसी ने हाथ रखे हों, बाकायदा जैसे मेरी टांगों को किसी ने पकड़ा हो। मैंने जल्दी से ब्लैंकेट हटाया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मुझे यकीन हो गया कि इस कमरे में ज़रूर कोई गड़बड़ है। तभी मुझे बाहर से किसी के खांसने की आवाज़ आने लगी, जैसे बाहर कोई खांस रहा है। मैंने आवाज़ दी कि बाहर कौन है। मैं जल्दी से बाहर निकला तो मैंने देखा उसी रूम नंबर 5 से एक औरत बाहर निकली। वो दुल्हन नहीं थी, कोई बूढ़ी सी थी और बिल्कुल झुकी हुई थी। सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी। मैं उसे देख रहा था। चुपचाप मेरे पास से होती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये कैसी जगह है, यहाँ पर कोई सोता ही नहीं है, ये कौन लोग हैं। रिसेप्शन पर कोई भी नहीं था। उस बच्चे का रोना, दुल्हन का देखना, फिर ये बूढ़ी औरत, ये सब कौन है। मैंने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मैं बहुत डर गया। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह से मदद मांगने लग गया। आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते कहीं मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सीने के ऊपर बहुत ज़्यादा किसी ने वज़न डाल दिया हो। ऐसे लग रहा था मेरा सांस रुक जाएगा। जैसे इस खौफ से मेरी आंखें खुली, मैंने अपने सीने के ऊपर एक भयानक मखलूक को सवार देखा। वो बहुत डरावनी थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसका बहुत बड़ा फेस था, वो बिल्कुल स्याह रंग की थी और वो बिल्कुल मेरे सीने के ऊपर चढ़कर बैठी हुई थी। मैं इसको देखकर थर-थर काँपने लग गया। जैसे मैंने अल्लाह अकबर कहा, मेरे सामने वो एक दीवार की तरफ भागी और गायब हो गई। फिर मैंने टाइम नहीं देखा। मैंने जल्दी से अपनी जैकेट उठाई, शूज़ पहने, मैं जल्दी से नीचे भागा। मैंने रिसेप्शन पर जितने उस रूम के पैसे बनते थे मैंने रख दिए। मैं बाहर निकला, अपनी गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की। जैसे मैंने गाड़ी वहाँ से निकाली, मेरी नज़र ऊपर पड़ी। वो रूम नंबर 5 नज़र आ रहा था। उसकी विंडो में मैंने उसी दुल्हन को खड़े देखा। वो बिल्कुल विंडो से बाहर झांक कर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी बिल्ली की आंखें चमकती हैं। बहुत ज़्यादा भयानक चेहरे वाली थी वो, और वो मुझे ही देख रही थी। मैंने जल्दी से वहाँ से गाड़ी निकाली। मैं सीधा उस रोड पर जा रहा था। उस वक्त सुबह के 5 बज गए थे। ठंड होने की वजह से अभी भी अंधेरा था। काफ़ी आगे जाने के बाद वहाँ पर एक फिलिंग स्टेशन आया। मैं वहाँ पर रुका। मैंने वहाँ से वो सारा एरिया पूछा उनसे। उसने मुझे लोकेशन बता दी कि तुम्हें किस तरफ जाना है। उसके बाद मैं उस जगह पर वापस आया जहाँ पर मैं रहता था। दोबारा कभी भी मैं इतने दूर दराज इलाकों में नहीं गया। वो कौन सी जगह थी मैं नहीं जानता। इस बात को तकरीबन 1-2 माह गुजर गए। उसके बाद मुझे उसी इलाके की एक सवारी मिली। मैंने उसे मना कर दिया कि मुझे साइड पर नहीं जाना। उसने मुझसे वजह पूछी कि तुम इतने खौफसदा क्यों हो। वो एक आदमी था। तो मैंने उसे सारी बात बताई। तो उसका ये कहना था कि वो जो रेस्टोरेंट है वो बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। वहाँ पर बाकायदा एक रूम है, रूम नंबर 6, जहाँ पर एक चुड़ैल रहती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा और भी जिन्नात हैं। वो दुल्हन के रूप में भटकती है। कहा यह जाता है कि वहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड की थी। उसके बाद से वो जगह आसेबज़दा हो गई। वो भी उसके बारे में जानता था। उसका ये कहना था कि उसने भी वहाँ पर एक रात गुजारी थी, वो वहीं का रहने वाला था। उसका ये भी कहना है कि वो रेस्टोरेंट काफ़ी अरसे से बंद है, वहाँ पर तो कोई जाता ही नहीं है, फिर तुम कैसे वहाँ पर चले गए। मैंने उसे बताया कि नहीं, वो खुला हुआ है। उसने कहा कि उसको बंद हुए भी 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे ये लगा कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने उस जगह को बहुत ज़्यादा सर्च किया। उसके बारे में मैंने जैसे इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि ये बात बिल्कुल सच थी। उस रेस्टोरेंट को बंद हुए हुए 2 से 3 साल गुजर चुके थे। फिर उस रात वहाँ पर वो सब कौन थे, वो जगह कैसे खुली हुई थी मैं नहीं जानता। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। मैं आज भी इटली में ही रहता हूँ। मैं कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाता। मेरे इसी सफ़र के दौरान जो 12 साल से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे साथ 2-3 हादसे और भी हुए। वहाँ पर भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हॉरर इंसिडेंट हुए, वो मैं फर्दर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन ये जो मेरी कहानी है, इसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। वहाँ पर वो रात गुजारने के बाद मैं कुछ दिन बीमार भी रहा था, मुझे बहुत सा बुखार हो गया था। फिर मैंने बाकायदगी से नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, तो तब जाकर मैं ठीक होने लगा। मेरे सर में दर्द रहता था और मेरे जिस्म पर बहुत बोझ रहता था। मैं जब भी रात को सोता था तो मुझे महसूस होता था कि कोई मुझे जैसे मेरे ऊपर दबाव डालता है। मुझे कुछ परछाइयाँ भी दिखाई देती थी। वहाँ पर उस आसेब सदा रेस्टोरेंट में रात गुजारने के बाद इसी ड्यूरेशन में मेरा पाकिस्तान भी चक्कर लगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ साहिब इल्म हस्तियों से इस बारे में डिस्कशन की, उनको बताया, तो उनका ये कहना था कि वो सब जिन्नात थे। बाज़ुकात इंसान को नहीं पता होता, सुनसान वीरान जगहों पर भी जिन्नात आबाद होते हैं, उनके बाकायदा घर होते हैं। बाज़ुकात इंसानों की ज़िंदगी में ऐसे हादसा हो जाते हैं जहाँ पर वो जिन्नात के घरों में चले जाते हैं, जिनको बज़ाहिर वो इंसान समझ रहे होते हैं। वो इंसान नहीं होते, वो जिन्नात होते हैं। वीरानों में बने घरों में जहाँ पर दूर दूर तक आबादी का नामो निशान ना हो, वहाँ पर अक्सर जिन्नात पाए जाते हैं। वहाँ पर जिन्नात की शादियाँ भी होती हैं। फिर मुझे सारी बातों की समझ आई कि मेरे साथ भी जो हादसा हुआ था वो सब यही था। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैं बर वक्त वहाँ से भाग गया, वरना पता नहीं मेरा क्या हाल होता। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हारिस साहब का। जैसे ये थी आज की एक खौफनाक कहानी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nosheenvirk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल पर नॉवल कब ऑन एयर करेंगी, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ऑन एयर करूँगी। अभी मैं वहाँ पर स्टोरीज़ दे रही हूँ, कल भी एक स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको विज़िट करिएगा, और नॉवल भी जल्दी आएगा। नौशीन डेली रूटीन पर मैं व्लॉग भी ऑन एयर करूँगी इंशाल्लाह, उससे भी विज़िट करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।